वेल एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, इनका क्या यूज है? आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे इनका यूज। लेकिन एक मिनट रुको, इधर आओ। अगर आप अपने एटीएम, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को ध्यान से देखोगे तो बैक साइड में वहां पर आपको एक ब्लैक सी लाइन या फिर कह लो ब्लैक स्ट्रिप लाइन देखने को जरूर मिलेगी। आपने सोचा है कभी ये क्या है, इसका क्या यूज है? खैर ये छोड़ो, आजकल के जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं या फिर डेबिट कार्ड आते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड में एक चिप देखने को जरूर मिलती है। तो आपने कभी सोचा है कि भैया आखिर में ये ब्लैक लाइन या फिर कह लो ब्लैक स्ट्रिप लाइन या फिर कह लो ये जो चिप है वो क्यों दिया जाता है, इनका क्या यूज है, ये कैसे काम करते हैं और भैया इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो या फिर एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में पता होना चाहिए, वरना आपको बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानना चाहते हो इन सभी के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइज, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, पहले हम जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया करते थे, उन सभी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बैक साइड में एक काले कलर की ब्लैक स्ट्रिप लाइन या फिर कह लो काले कलर की पत्ती देखने को मिल जाती थी। लेकिन अगर आजकल के आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे कि हो गया वीजा डेबिट कार्ड हो गया, मास्टर डेबिट कार्ड हो गया या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो गया, उन सभी में आपको बैक साइड में एक काले कलर की पत्ती के साथ साथ फ्रंट साइड में आपको एक छोटा सा चिप देखने को जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में पता होना चाहिए कि इनका क्या यूज है। आइए एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। बैंकों से मिलने वाले कार्ड में आपको जो बैक साइड में काले कलर का पत्ता दिया होता है, ये एक तरह का चुंबकीय पत्ता होता है या फिर कह लो मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है, जहां पर बेसिकली इन कार्ड्स में, इस पत्ते में एक मैग्नेटिक स्ट्राइप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो बेसिकली आपके कार्ड के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब आप सोचोगे इस छोटे से पत्ते में हमारे जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है, ये तो सिर्फ एक कलर का पत्ता ही है। गाइस, ये कोई आम पत्ता नहीं है, ये एक तरह का मैग्नेटिक पत्ता है। इसे समझने के लिए आइए पुरानी यादों को थोड़ा सा ताजा करते हैं। आप सभी लोगों ने एक समय में कैसेट्स का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा कुछ गाने सुनने के लिए, जहां पर आप टेप का इस्तेमाल करते हो और वहां पर टेप में गाने को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको कैसेट्स की जरूरत पड़ती थी। और कैसेट्स के अंदर क्या होते थे, रील होते थे, और आई एम श्योर आपने उन रील्स के साथ कभी ना कभी जरूर खेला होगा। तो यहां पर वो जो रील इस्तेमाल किया जाता है कैसेट्स के अंदर, जहां पर आपके गाने स्टोर किए जाते थे पहले, सेम वही जो रील है वो आज के समय में जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं उन सभी के ऊपर लगाया जाता है। वही सेम टेक्नोलॉजी जो पहले कैसेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, वही टेक्नोलॉजी यहां पर आज के समय में डेबिट कार्ड में जो एक ब्लैक सी लाइन है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसी पतली सी लाइन में, इस काले कलर की ब्लैक स्ट्रिप में आपके कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कार्ड नंबर हो, एक्सपायरी डेट हो, आपका नाम हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन एक ट्रांजेक्शन करने के लिए चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पर स्टोर रहता है। तो जब भी आप अपने कार्ड को कहीं पे शॉपिंग मॉल पे जाके शॉप करते हो कुछ भी, और अपने कार्ड को स्वाइप करते हो या फिर किसी भी एटीएम में जाके अपने एटीएम को स्वाइप करते हो और पैसे ट्रांजेक्शन, पैसे निकालते हो या फिर ट्रांजेक्शन करते हो कहीं पे भी, तो जैसे ही आप स्वाइप करते हो तो वो जो मशीन है वो आपके कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उस ब्लैक कलर के लाइन में, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेच कर लेता है या फिर कह लो उन डेटा को, उन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, उनकी इंफॉर्मेशन ले लेता है, और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर कार्ड में जो मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, हमेशा सेम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहां पर जो सिक्योरिटी का इशू तो बन जाता है, क्योंकि कोई भी हैकर अगर किसी भी तरह के क्लोनिंग मशीन को ले लेता है और उसमें अगर आपके कार्ड को स्वैप करता है या फिर कोई ऐसी जगह पे आप अपने कार्ड को स्वैप करते हैं एटीएम में जहां पर क्लोनिंग लगाया गया है, तो कोई भी हैकर या फिर कोई भी जो आम लोग हैं अगर वो आपके कार्ड को स्वाइप कर ले और उसकी क्लोनिंग का जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर ले, तो यहाँ पर कोई भी आपके कार्ड की क्लोनिंग बना सकता है और भैया आपके कार्ड से पैसे निकाल सकता है। तो अब क्या, इसी कार्ड क्लोनिंग और फ्रॉड से बचने के लिए यहाँ पर चिप में एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है AMV चिप टेक्नोलॉजी, जिसे हम बेसिकली चिप एंड पिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आजकल के मोस्टली जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, खास करके क्रेडिट कार्ड, उन सभी में इस EMV चिप टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो भी क्लोनिंग है या फिर कह लो फ्रॉड है वो कई ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे डेबिट कार्ड भी है जिसमें बेसिकली जैसे वीजा डेबिट कार्ड हो गया, मास्टर डेबिट कार्ड हो गया, उन सभी में भी आपको ये छोटा सा EMV चिप देखने को जरूर मिल जाता है।
तो कार्ड में यहाँ पर स्टैंडर्ड को बेसिकली तीन कंपनियों ने मिलकर बनाया है। सबसे पहला जो है वो यूरोप पे, दूसरा आता है मास्टर कार्ड और तीसरा आता है वीजा। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का या फिर कह लो इस स्टैंडर्ड का नाम EMV रखा, जिसमें सबसे पहला जो ई आता है वो बेसिकली आता है यूरोप पे के लिए और दूसरा आता है एम मास्टर कार्ड के लिए और तीसरा आता है वी वीजा। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम बेसिकली या फिर कह लो इस स्टैंडर्ड का नाम EMV रखा गया। तो यहाँ पर अगर आप जितने भी वीजा कार्ड हो या फिर कह लो मास्टर कार्ड हो, उन सभी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैक साइड में आपको ब्लैक स्ट्रिप के अलावा यहाँ पर आपको आगे की साइड एक EMV चिप भी जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि भैया आखिर में ऐसा क्या खास है इस EMV चिप में और ये क्या काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपने EMV चिप कार्ड को इस्तेमाल करते हो पेमेंट करने के लिए, तो जो भी यूज़र होता है जो आपके कार्ड को लेता है पेमेंट करने के लिए, तो आपसे कार्ड लेता है और उस मशीन में इंसर्ट कर देता है। तो जैसे आप इंसर्ट कर देते हो और पिन विन डाल देते हो, तो हर बार एक ट्रांजेक्शन के लिए यानी एक पेमेंट के लिए वहाँ पर एक यूनिक ट्रांजेक्शन कोड जनरेट होता है। जी हाँ, ये जो ट्रांजेक्शन कोड है बेसिकली एनक्रिप्टेड होता है और अगर मान लीजिए किसी हैकर ने या फिर कोई भी कार्ड क्लोनिंग मशीन की मदद से आपके कार्ड को क्लोन करना चाहे, तो से पहले वो हैकर जो है उस कोड को या फिर कह लो उस एनक्रिप्टेड कोड को, ट्रांजेक्शन कोड को लेगा और उसे डिक्रिप्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी चुराना चाहेगा और वहां उसकी मदद से वो कार्ड को क्लोन करना चाहेगा। लेकिन यहां पर अगर हैकर या फिर फ्रॉड करने वाला अगर इस इंफॉर्मेशन को, इस ट्रांजेक्शन कोड को ले भी लेता है और इसकी मदद से आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहे या फिर किसी भी तरह की कार्ड क्लोनिंग करना चाहे, तो यहां पर वो अगर ले भी लेता है ये ट्रांजेक्शन कोड, तो फिर भी उसका कुछ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कोड होता है वो एनक्रिप्टेड होता है और साथ में यहां पर जो कोड है सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है। तो यहां पर EMV चिप में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जब भी आप जितनी भी बार ट्रांजेक्शन करोगे अपने कार्ड से, EMV चिप कार्ड से, तो हर बार एक यूनिक ट्रांजेक्शन कोड जनरेट होगा जो कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जब से ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ये EMV चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब से ये जो कार्ड क्लोनिंग है या फिर कह लो फ्रॉड है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आने वाले समय में लगभग सभी तरह के कार्ड में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आजकल के जितने भी ATM कार्ड आते हैं उन सभी में यहाँ पर पिन का भी इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी आपके कार्ड को स्वैप करके ही ट्रांजेक्शन ना कर ले। अगर आपके पास पिन है तो ही आप अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी है और भैया आपको सारे तरह के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें ज़रूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो भी क्लोनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कार्ड में ब्लैक स्ट्रिप लाइन या फिर कह लो काले कलर का जो पत्ता होता है वो किस लिए होता है, इसका क्या यूज़ है, और भैया आजकल के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा डेबिट कार्ड में जो ये छोटा सा चिप होता है इसका क्या यूज़ है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, जानने को मिला कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।